एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीज फॉर इंडियन चैनल। मैं वर्षा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने डैंड्रफ आप कैसे निकाल सकते हो। गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि डैंड्रफ्स कैसे आते हैं। डैंड्रफ अपने हेयर में ऑयलिंग के वजह से भी आते हैं, जैसे आपने हेयर वॉश जैसे इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन के वजह से होता है। शुगर फैट अपने बॉडी में ज़्यादा हो तो होता है, और अपने जैसे वॉश किया हेयर और नेक्स्ट आप देख रहे हो आपके स्कैल्प पे ऑयलनेस आ गया, तो उन्हें डैंड्रफ के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी होता है डैंड्रफ्स। तो डैंड्रफ भी टू टाइप्स के होते हैं, जैसे आपने ऐसे ईचिंग हो रहा है, आपने ईचिंग किया और आपके नेल्स में आ गए या ऐसे अपने शोल्डर्स पे नेक पे गिर गए, तो वो डैंड्रफ अलग है। और जो पैची टाइप ऐसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रेडनेस अपने स्कैल्प हो जाते हैं, वो अलग है। गाइस, विंटर सीजन में, सर्दियों के सीज़न में डैंड्रफ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स कैसा है गाइस, अगर आपको अभी आ रहे हैं तो आप, मैं जो आपको आज रेमेडीज़ बताऊंगी आपको फॉलो करके देखिए, ये बहुत इजी आपको डैंड्रफ रिमूव कर देगा। और अगर आपको पहले से है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से आपको डैंड्रफ के प्रॉब्लम और वो नहीं जाते हैं, तो उन्हें मैं बोलूँगी आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्ट कीजिए, अपने स्कैल्प को दिखाइए, अपना डैंड्रफ्स को बताइए, इसे इग्नोर मत कीजिए। तो गाइस, आज ये बहुत इजी रेमेडीज़ है और थ्री रेमेडीज़ है, आपको तीन रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी, आपको जो हो जाएगा उसमें से अवेलेबल आपके किचन में होगा आप यूज़ कीजिए, आप फॉलो कीजिए। और गाइस, मैं जैसे आपको बताऊँगी वैसे ही फॉलो करके आप देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पे तीन चीज़ आपको लगेगा, जो सबसे पहले है लेमन और है पैराशूट ऑयल। ये 100% कोकोनट ऑयल है, देख लीजिए 100% प्योर कोकोनट ऑयल है गाइस। और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है सॉल्ट, जो आपके किचन में हमेशा अवेलेबल रहता है ये, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे करते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप अपने हेयर को कोम कर लीजिए अच्छी तरह से, आप पार्टीशन करके भी कोम कर सकते हैं। और अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है स्टेप वो है लेमन चाहिए आपको। मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले आप लेमन लीजिए और लेमन डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से, इसे बाहर मत रखिए, रेफ्रिजरेटर में रखिए, इसे निकालिए और जस्ट पहले इसे कट कर लेते हैं। देख सकते हो गाइस, मैंने लेमन को कट कर लिया। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, आपको डायरेक्टली आपके स्कैल्प पे अप्लाई करना है। रेफ्रिजरेटर से निकाला है आपने, ये चिल में ही अप्लाई करना है, तो आपके ये डैंड्रफ्स को अच्छा कर देगा। लेमन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है जो आपके ईचिंग और ड्राइनेस को निकाल देता है। तो देखिए, ऐसा आपको अप्लाई करना है। आप एक एक पार्ट ले लीजिए अपने हेयर के ऐसे, और उसे अच्छे से अप्लाई कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ गाइस, ऐसे कीजिए, डायरेक्ट आप लेमन से रब कीजिए, आपके डैंड्रफ रिमूव हो जाएंगे। और इसको लगाने के बाद गाइस ना, हाफ एन आवर तक आप रख दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए अपने हेयर को। आप देख सकते हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, देखिए गाइस पूरा। स्क्वीज कर रही हूँ और उसके बाद रब कर रही हूँ। अपने स्कैल्प पे इसे लगा लिया है, अभी आप इसे थोड़ा देर के लिए ऐसे मसाज कर लीजिए अपने फिंगर टिप्स से 2-3 मिनट्स के लिए, उसके बाद इसे हाफ एन आवर ऐसे ही रख दीजिए, और उसके बाद से आप हेयर वॉश कर लीजिए। अब सेकंड स्टेप क्या आता है, अब सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए आपको क्या चाहिए, एक पैराशूट तेल जो आपको बताया था, और एक बाउल चाहिए। मैं अपने हेयर के हिसाब से क्वान्टिटी में लूँगी, और आप अपने हेयर के हिसाब से लीजिए। जैसे आपके हेयर लॉन्ग है तो आप 2-3 टेबल स्पून लेते हैं तो 1 लेमन लीजिए, और अगर आप 4 टेबल स्पून लेते हैं, 5 टेबल स्पून लेते हैं कोकोनट ऑयल, तो आप 2 लेमन लीजिए फुल लेमन।
अभी मैं आपको ऑलरेडी एक बता चुकी हूँ, तो मैं सेकंड मेथड भी आपको इस पे बताने वाली हूँ और मैं लास्ट में हेयर वॉश करूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया। अब इसमें जैसे अभी मैं इसमें एक हाफ जो लेमन था वो लूँगी, मैं हाफ लेमन यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है, आप अपने क्वांटिटी अपने हेयर के हिसाब से लीजिएगा आपको कैसे चाहिए। तो इसे आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। पैराशूट आपको पता है कोकोनट ऑयल आपके हेयर को बहुत स्मूथ रहता है, शाइन देता है और लॉन्ग करता है, और आप दोनों को इसे मिक्स कर लीजिए और अपने स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। मैंने इसमें लेमन को पूरा क्रीज कर रही हूँ, तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अपने फिंगर टिप से। अभी मैं आपको बताती हूँ अपने स्कैल्प पे आपको कैसे लगाना है। आपको फिर से अपने हेयर में वैसे ही पार्टीशन करना है जैसे मैं दोनों जगह मैं अच्छी तरह से पहले अपने हेयर में दोनों जगह से ऐसे पार्टीशन कर लेती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों जगह से अपने हेयर में पार्टीशन कर लिया। सबसे मेन है आप बीच में से ऐसे पार्टीशन कर लिए तो अपने बालों को, और अभी आप अपने फिंगर टिप से अपने स्कैल्प पे इसे अप्लाई कीजिए। ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है, आप इसे फॉलो करके देखिए। आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। और आप जैसे हेयर वॉश करते हो ना, हेयर वॉश करने से हाफ एन आवर पहले या 1 आवर पहले आप लगा लीजिए। जैसे आप लेमन वाला कर रहे हो तो आप 1/2 आवर ही रखिएगा, और अगर आप पैराशूट का करते हो तो आप 1 आवर रख सकते हो, और उसके बाद ही आप अपने शैम्पू से वॉश कर लीजिए अपने हेयर को। पैराशूट ऑयल सेकेंड मेथड भी मेरा हो चुका है, इसे मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसे अच्छी तरह से मैं ऐसे एक बार से आप 1 आवर इसे ऐसे ही रख दीजिए, और उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। अब थर्ड इंग्रेडिएंट से बहुत इजी है, जो आप इसके लिए सॉल्ट चाहिए। और अभी आपको क्या करना है, सॉल्ट को भी आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए। यह एक्सफोलिएट करता है आपके डेड स्किन सेल्स को, और आपके स्कैल्प पे जो भी डेड स्किन रहते हैं, आपको पैचनेस ड्राइनेस रहते हैं, वो रिमूव कर देता है। और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको डैंड्रफ रिमूव होने से, आपको डैंड्रफ से बचाता है गाइस। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। तो गाइस थर्ड वन हम अभी फॉलो करेंगे, इसके लिए जो मैंने आपको बताया सॉल्ट को आपको ऐसे फिंगर्स में ले लेना है और फिर अपने स्कैल्प पे ऐसे अप्लाई करना है, और इसे बस स्क्रब कीजिए। आपके जहाँ जहाँ डैंड्रफ है आप अच्छे से उसे लगाइए और ऐसे रब कीजिए। ये आपके पूरे डेड सेल्स निकाल देगा आपके स्कैल्प पे से। मेरा थर्ड स्टेप भी पूरा कवर हो चुका है, थर्ड मेथड भी। अब इसे मैं 20 मिनट्स तक रखूंगी और उसके बाद से हेयर वॉश कर लूंगी गाइस। और आप भी इसे ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये 100% गारंटी है, आप नहाने से जैसे आप हेयर वॉश करके उससे 1/2 आवर 1 आवर पहले आप तीनों में से जो आपको पसंद है वो ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। और